हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के एमसीक्यू में। इसमें हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ कंपटीशन के जो भी पीछे में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं जो और संभावित हैं, जो आम तौर पे पूछे ही जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो उसको हम लोगों ने लिया है। और ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग करते हैं इस अपील के साथ कि आप लोग में से जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो रूरल एरियाज में रहते हैं, जिनका कहीं टच नहीं है, उनको बताइए, उनको उन पर भी आप उनकी कोऑपरेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए कि इस माध्यम से तैयारी करें। तो चलिए हम लोग जनरल साइंस का एमसीक्यू लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IAS, PCS, NET, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, SSC, CGL, TET, BEd, LT, लेक्चरर एंड अदर्स। इन सारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, और साथ साथ में इनमें आने वाले प्रश्न हैं, ये संभावित अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, संश्लेषित रेशा है रेयॉन, रेशम, सेलुलोज, ऊन। सही उत्तर है ए, रेयॉन। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल और डी हाइड्रोजन क्लोराइड। सही उत्तर है बी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, बी वाष्पीकरण, सी क्रिस्टलीकरण और डी आसवन। सही उत्तर है बी वाष्पीकरण से नमक तैयार होता है। एंजाइम सहायक होते हैं ए श्वसन में, बी भोजन के पाचन में, सी प्रतिरोधक शक्ति के विकास में, डी प्रजनन में। सही उत्तर है बी भोजन के पाचन में। बांस किस कुल का पौधा है? ए फल, बी तना, सी पत्ता, डी घास। सही उत्तर है डी घास, बांस घास है। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? ए फल, बी तना, सी पत्ता, डी फूल। सही उत्तर है बी तना, जूट तने से प्राप्त होता है। लौंग प्राप्त होती है ए जड़ से, बी तने से, सी पुष्पकलिका से, डी फल से। सी पुष्पकलिका। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। सही उत्तर है सी अवतल दर्पण। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है ए हाइड्रोमीटर, बी अल्टीमीटर, सी डेसिबल और डी बैरोमीटर। सही उत्तर है हाइग्रोमीटर ए, ए इज द राइट आंसर, हाइग्रोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है ए तरंग में, बी श्रव्य तरंग में, सी डेसिबल में, डी बैरोमीटर। सही उत्तर है सी डेसिबल में, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है साउंड को। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है ए वास्तविक एवं सीधा, बी वास्तविक एवं उल्टा, डी सी काल्पनिक एवं सीधा, डी काल्पनिक एवं उल्टा। सही उत्तर है बी वास्तविक एवं उल्टा। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर विलियम हार्वे, सर हॉकिंस, डॉक्टर लुई पास्चर
डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, सही उत्तर है डी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अम्ल को एसिड कहते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। सही उत्तर है ए सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में इस्तेमाल होता है। जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 99 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 101 डिग्री सेंटीग्रेड, 102 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? लाल, बैंगनी, हरा, बैंगनी। सही उत्तर है ए लाल, रेड कलर। विबजियोर का आपने नाम सुना होगा, वी वायलेट सबसे ऊपर, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद रेड। विबजियोर सबसे कम होता है वेवलेंथ वायलेट का, सबसे ज्यादा होता है रेड का। सूर्य प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? लाल, हरा, नीला, बैंगनी। बैंगनी डी इज द राइट आंसर। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन, मछली पालन, लाख का कीट पालन, रेशम का कीड़ा। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। मलेरिया रोग होता है मादा एनोफिल द्वारा, नर एनोफिल द्वारा, एड्स एजिप्टी द्वारा, क्यूलेक्स द्वारा। ए मादा एनिफिल्स द्वारा, एनिफिल्स द्वारा मलेरिया होता है। सबसे बड़ा फूल है, सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेशिया, वोल्फिया, लोडोसिया, सिकोया। रेफ्लेशिया इज द राइट आंसर। खेरा रोग का संबंध किससे है? धान, कपास, गेहूं, गन्ना। धान, धान से है खैरा रोग। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? ए 70, बी 15 से 20, सी 30 से 40, डी 180। सही उत्तर है सी 30 से 40। 30 से 40 होती है साधारण बातचीत की तीव्रता। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री, 7000, 2000, 8000। सही उत्तर है ए 6000, 6000 डिग्री। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। ट्रांसफार्मर केवल डीसी परिपथ में, केवल एसी परिपथ में, दोनों एसी और डीसी परिपथ में, डी एकीकृत परिपथ में, केवल एसी परिपथ में ट्रांसफार्मर आते हैं। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान है 280 के, 290 के, 300 के, 310 के, 310 केल्विन। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? 18 मई 1974, 18 अप्रैल 1974, 13 मई 1878, 13 मई 1998। सही उत्तर है 13 मई 1998, डी 1998 है, हर जगह 1998 को याद कर जाइए, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? ट्रेजर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वैक्समैन, लुईस पाश्चर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बी इज द राइट आंसर। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट हुक, लिवेन हुक। जोसेफ लिस्टर बी इज द राइट आंसर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां स्थित है? लखनऊ, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर। सही उत्तर है तिरुवनंतपुरम, सी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का मतलब फंजाई। माइकोलॉजी, नेफ्रोलॉजी,
एंटेमोलॉजी एस्ट्रोनॉमी माइकोलॉजी। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स, एंटेमोलॉजी, जेनेटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है स्टडी ऑफ क्वाइंस। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को, लिनियस को, लैमार्क को, डार्विन को। लिनियस को मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 150/90, 100/50, 120/80, 98/80, 120/80 सी। सबसे बड़ा बीजांड होता है नीटम में, पाइनस में, कोकस में, साइकस में, साइकस में डी। शहद का मुख्य घटक है ग्लूकोज, माटोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज, शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है जो बहुत मीठा होता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? डायरेक्ट कैंसर पे आते हैं, आयोडीन से। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? 1970 ईस्वी। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन यानी मछली। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? 0.03%। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष, पिट्यूटरी ग्लैंड। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फारेनहाइट। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था इस पुतनिक। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है कौन सा विटामिन? विटामिन के। टोका सोल्डर से बनी मिश्र धातु है, टांका सोल्डर से बनी मिश्र धातु कौन सी है? सीसा और टिन। एकुपंक्चर में अधिक प्रचलित कौन सा देश है? चीन। हीमोफीलिया एक अनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम होता है रक्त का नहीं जमना, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती वहां पे, ब्लड क्लोटिंग। एड्स में डी का क्या तात्पर्य है? सॉरी, डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, पूछा हुआ क्वेश्चन है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है जो कहां होता है? आंख की बीमारी है, आंख में। किसके इलाज में केमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? कैंसर मशहूर है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां स्थित है? तिरुवनंतपुरम। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक्स। आधुनिक वर्गीकरण के पिता लिनियस। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? 1970। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, मछली। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में होती है? 0.03%। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष, पिट्यूटरी। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री फारेनहाइट। कपास प्राप्त होता है बीज से। शरीर की सूक्ष्म इकाई क्या है? कोशिका, सेल, सेल से बनता है ऊतक,
उत्तक से फिर ऑर्गेन बनते हैं। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? यॉक में, जो बीच में होता है, येलो यॉक। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से, फैट से। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट है, फैट से होता है। पारा जमता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार रहेगा अपरिवर्तित। एथलीट रोग, एथलीट फुट रोग किससे संबंधित है? फग्स से, फग्स। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वायु में, जल में, स्टील में, निर्वात में। स्टील में, सॉलिड में ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। प्राथमिक रंग कहा जाता है लाल, हरा और पीला। लाल, हरा और नीला, सॉरी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू इज द प्राइमरी कलर। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। कैफीन कहाँ पाया जाता है? कॉफी में। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक एसिड। बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता से मिलके पीतल बनता है, तांबा जस्ता। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन, तभी आयरन की गोलियां खाते हैं, आयरन से ब्लड बनता है। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? 1969। पुरुष जीन संगठन होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम का, और महिला में एक्स एक्स होता है। प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी। जीन बने होते हैं, जीन किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए से होते हैं। मनुष्य में डीऑक्सी न्यूक्लियोक्सिड, मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है? एक्स वाई से होता है, एक्स एक्स से नहीं होता, इसलिए पुरुष जिम्मेदार होता है। सबसे बड़ा गुणसूत्र है ट्रिलियन, उसका नाम है ट्रिलियन, ट्रिलियम। शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 डिग्री। केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक 273 डिग्री केल्विन। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है ठोस में, अभी बताया आपको, सबसे कम गैस में। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है परिवर्तनशील, बदल जाता है, कम हो जाता है। सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? शैवाल, अल्गी को कहते हैं। लाइकेन सूचक होते हैं, लाइकेन वायु प्रदूषण के। कपास प्राप्त होता है बीज से। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? कोशिका, सेल। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? योक में। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से, फैट से। पारा जमता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार रहेगा अपरिवर्तित, स्थिर रहेगा। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहां पर आरंभ किया गया? तारापुर महाराष्ट्र में है। और रावत भाटा कहां है ये आप बताएंगे। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। रडार का क्या अर्थ है? रेडियो डिक्टेशन एंड रेंजिंग। हैजा के टीका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच। डायबिटीज मधुमेह किसकी कमी के कारण होता है? इंसुलिन। 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है?
75%, सबसे शुद्ध होता है 24 कैरेट। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ag, सिल्वर को कहते हैं, उसका सिंबल है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? न्यूटन। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है सोयाबीन में। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? हीरा। निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ है? हीरा, पत्थर, लोहा, एस्बेस्टस में सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? SO2 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड। मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4C। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा, कॉपर, सी। मोमबत्ती का जलना है रासायनिक परिवर्तन है, ये यू टर्न नहीं लेता, रिवर्स नहीं होता रासायनिक परिवर्तन में, फिजिकल परिवर्तन में रिवर्स होता है। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, पहला है, उसका एटॉमिक नंबर है 1। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? अम्ल राज में, सी। सबसे हल्की धातु है लिथियम, इसमें लिथियम सोडियम एल्युमिनियम में लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। सबसे भारी धातु है ओस्मियम, लिथियम ओस्मियम आयरन सिल्वर में ओस्मियम सबसे भारी धातु है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है क्लोरीन द्वारा। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? एड्स, सी। पुरुष जीन संगठन होता है XYB। प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी। जीन बने होते हैं DNA के। मनुष्य में किस प्रकार के गुण सूत्रों से लिंग निर्धारण होता है? XY, जो कि मेल में होता है। अ मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे बड़ा गुण सूत्र है ट्रिलियम। शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 डिग्री फारेनहाइट। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 डिग्री केल्विन। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है ठोस में। पृथ्वी का प्लैन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है परिवर्तनशील। सबसे छोटा गुण सूत्र किसमें पाया जाता है? शैवाल में, शैवाल। लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। सबसे बड़ा फूल है रेफलेशिया, बहुत मशहूर है ये। खैरा रोग का संबंध किससे है? धान से है। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? 30 से 40। मक्का पौधों में परागण होता है वायु द्वारा होता है। परागण पॉलिनेशन को कहते हैं, मेल एंड फीमेल मिलते हैं, वायु द्वारा होता है। कपास के रेशे मिलते हैं, बीज से मिलते हैं कपास। मानव रक्त में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है? 55%। सिंकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? तने की छाल। एक पेड़ की आयु का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? तने के बने हुए वलयों के को गिनकर, जो गोला बनता है तने में, उसके हिसाब से आयु का अंदाजा लगते हैं। झूम खेती प्रचलित है असम क्षेत्र में।
सिंकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तने की छाल से। मेरिनो क्या है? भेड़ की एक प्रकार है मेरिनो भेड़। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा फूल रिफ्लेशिया। खेरा रोग का संबंध है धान से। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में होती है 30 से 40। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं केवल एसी के परिपथ के रूप में, एसी परिपथ में। केल्विन मान में मानव शरीर का समान तापमान है 310 केल्विन। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? 13 मई 1998। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र कौन है? दाब की बात हो रही है, बैरोमीटर। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा, स्टैटिक एनर्जी। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल का, रेड कलर का, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होता है। टाइपराइटर के आविष्कारक हैं शोल्स। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी कांच से गुजरने पर। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि कैसी होती? कम होती। उष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। अंडे देने वाली स्तनधारी है डकबिल्ड प्लैटीपस। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। लोहे में जंग लगने का पर उसका भार जाहिर सी बात है बढ़ जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण। स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रासन। जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जोहानसन। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ लिस्टर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक्स। कई बार गुजर चुका है ये। आधुनिक वर्गीकरण के पिता लिनियस। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज। घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। यह सब रिपीटेड है, कोई बात नहीं। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? 1970। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से, मछली से। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? 0.03%। मनुष्य के शरीर में सब छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि प्यूस पिट्यूटरी ग्लैंड। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फारेनहाइट। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65%। मानव शरीर में भोजन पाचन प्रारंभ कहां से होता है? मुंह से शुरू हो जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम है उससे शुरू हो जाता है, इसलिए रोटी मीठी लगती है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। सर्वदाता रुधिर वर्ग है यूनिवर्सल डोनर ओ। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी का नाम रानीखेत। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जगह है, वहां सबसे पहले हुआ था, इसलिए इसका नाम रानीखेत है।
कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? श्लाइरेन एंड स्वान। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां है? तिरुवनंतपुरम। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक्स। आधुनिक वर्गीकरण के पिता लिनियस। बार बार ये आ चुका है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए, कपास प्राप्त होता है बीज से। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? सेल, कोशिका। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक है? योक। मनुष्य में सर्वाधिक ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? वसा से। यह भी है, पारा जमता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और आगे देखें, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां है? करनाल। बार बार पूछा जाता है, भाभा अनुसंधान, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां अवस्थित है? ट्रांबे। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? क्लोरीन। मधुमक्खी पालन संबंधित है? एपीकल्चर। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बॉटनिका, लिनियस। एक्सरे की खोज किसने की थी? WC रॉटजन। भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली, बर्ड स्पेशलिस्ट थे। अनुवंशिकी कोड की खोज किसने की? हरगोविंद खुराना। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? गैलीलियो ने। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पीले फास्फोरस को रखा जाता है जल में। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ओजोन। सबसे शुद्धतम जल है कहां का? वर्षा का। वर्षा का समुद्र का, वर्षा का नदी का, कुएं का? वर्षा का। भोपाल गैस में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। निम्न में से कौन सबसे कठोरतम धातु है? टंगस्टन। प्लेटिनम टंगस्टन में टंगस्टन है। किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? ब्यूटेन। कोशिका में डीएनए उपस्थित होता है? AMB। केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। एथलीट फूट बीमारी होती है फफूंद से। लीची में खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? एरिल, एरिल। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? कैरोटीन। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक क्या कहलाता है? मेलानिन। जरावीक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय, कृत्रिम आर्टिफिशियल हार्ट। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरिस्टोटल। होम्योसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? हुमेन, हुमेन बींग। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां अवस्थित है? लखनऊ। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? ऋणात्मक, निगेटिव है। अब प्रोटॉन पॉजिटिव है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट हुक। गामा किरण की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुइस पाश्चर। ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज शीले और प्रिस्टले। सर्वग्राही रक्त समूह होता है? AB, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है वो। इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज।
उसके बाद आगे आइए। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। बैरोमीटर घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। आगे आइए, ये सब देखा जा चुका है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी कांच से गुजरने पर, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है। उसके बाद आइए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण। स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रासन। जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जोहानसन। शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 डिग्री। केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक होता है 273 डिग्री केल्विन। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, ये कई बार हो चुका है इसलिए इस पर ध्यान आप रखिएगा। कटक। टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? टांग में, फिट में, टीबिया। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित है? मस्तिष्क में, दिमाग में। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल से। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? चीड़ से, चीड़ से। विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? टाइफाइड। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लीह चादर किससे लेपित किया जाता है? जस्ता से। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न, ऑटो हॉर्न। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन, जे जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? जॉन ई सॉल्क। रट जाइएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? गामा किरण। अल्फा, बीटा, गामा, न्यूट्रॉन, सबसे ज्यादा है गामा किरण की वेधन क्षमता। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। सबसे छोटा फूल है वुल्फिया, सबसे बड़ा है रिफ्लेशिया, सबसे छोटा है वुल्फिया। हल्दी में पीला रंग का कारण होता है कुरकुमिन। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है कार्बन 14। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरो एसिटोफिनोन। एस्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेटस। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय 1.3 सेकेंड। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय है 27.3 दिन। मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। अश्व शक्ति किसके बराबर होती है?
746 वॉट। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। पीले फास्फोरस को रखा जाता है जल में। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ओजोन। सबसे शुद्धतम जल है वर्षा का जल। सबसे बड़ा फूल है रिफ्लेशिया। खेरा रोग का संबंध है धान से। साधारण बातचीत की तीव्रता, ये सब हो चुका है, ये सब भी हो चुका है, ये सब हो चुका है, ये सब हो चुका है। ये सब हो चुका है। ये सारे हो चुके हैं।